हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग आप सभी कैसे हो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और हो, स्वस्थ होंगे दोस्तों मैं भी ठीक ठाक हूँ तो देखिए शाम का वक्त है पाँच बज रहे हैं साढ़े पाँच का टाइम है दोस्तों तो देखिए चलिए काम कर लेते हूँ फिर मिलती हूँ आप लोग होते तो चलो दोस्तों किचन में चलती हूँ तो देखिए इसमें सॉरी देखिए इस ये क्या है ना मैं आ गई हूँ किचन में तो जहाँ पर रखा है दूध इसको मैं गर्म कर लूँगी ये तो चलिए इसको मैं गर्म कर लेती हूँ फिर मिलती है आ गई हूँ किचन में देखिए गाइस मैं आ गई हूँ किचन में तो जहाँ पर मेरा दूध गर्म हो रहा था सारे बर्तन धो लिए मैंने उसके बाद मैं बैठी गई मैं सब्जी बनाने क्या है शाम का वक्त तो बहुत ही जल्दी अंधेरा होने लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं था पौने छः का साढ़े पाँच से पहले मैं काम शुरू कर दिया था और देखिए यहाँ पौने छः बज रहे थे उस टाइम में ये सब्जी वगैरह काट रही थी शैम की परी तो वो मैंने पहले ही धो के और मतलब निकाल के रख दी थी उनकी लुक वगैरह तोड़ के नहीं मतलब बगलियों से तोड़ के नहीं रख दी थी तो देखिए यहाँ पर मैं सारी सेमों को काट लूँगी एक दो उसमें ख़राब सी निकली तो मैंने फेंक दी दोस्त ये देखिए सेम सारी मैंने काट रही यहाँ पर तो आलू नए हैं तो इनको मैं धो के लाऊँगी पहले इनको धो लिया था मैंने अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मिट्टी लगी थी उनमें तो अभी नए आलू आ गए हैं तो उनकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है गैस पुराने आलू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते पहले बनाते थे अभी ये बनाएंगे सर्दियों में आलू तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं चाहे भले वो आलू बनाएंगे तो अभी देखिए मेरी सारी सब्ज़ी कट गई है तो दोस्तों यहाँ पर मेरा दूध गर्म हो गया था उसके बाद मैंने बनाई चाय पहले एक बार चाय बना चुकी थी कोई आया था उनके लिए तो उसके बाद में वही रखा था कटोरा चाय का तो मैंने उसमें ही फिर दोबारा से बना ली सबके लिए चाय दोस्तों यहाँ पर मेरा वही कटोरा रखा था दोपहर का वही मैंने उसी में चाय बना ली वापस सबके लिए जैसे कोई आया था दिन में तो उसके लिए बनाई थी मैंने ऐसे ही कुछ चार बजे रहे थे उस टाइम तो मैंने सोचा इसको रख देती हूँ इसी में बना लूँगी फिर से क्या बार बार मैं मतलब बिगाड़ूंगी बर्तन तो हम अम्लेट का तो ऐसा ही है तो देखिए चाय मेरी अच्छे से खोल गई है और यहाँ पर डाल दिया इसमें सब कुछ अदरक और चीनी वगैरह और दूध सब कुछ तो देखिए यहाँ पर चाय छान भी ली गाइस बगल में बज रही थी एक घंटी कोई आ गया था उसके दूसरे के गेट पे तो बस उसकी आवाज आ रही थी उसको इग्नोर करना दोस्तों तो देखिए चाय बन गई आप लोग भी पी लीजिए और मैं सबको दे दी है चाय तो यहाँ पर बना रही हूँ सब्जी की तैयारी सारी हो गई है तो देखिए मैं सब्जी के लिए रख दी कढ़ाई गाइस यहाँ पर सारी सब्जी अब मैं ऐसे ही करती हूँ सारी सब्जियाँ काट के रख लेती हूँ फिर बनाने बैठती हूँ दोस्तों तो देखिए और कढ़ाई रख दी तेल डाल दिया जीरा डाल दिया हरी मिर्च प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ डाल दिया इसमें दोस्तों तो तब तक मेरी सब्जी बन रही है चौंक रही हूँ तब तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों और दोस्तों में भी शेयर करना गैस और देखिए यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए तो इनको अच्छे से भून भुण लूँगी भूनने के बाद मैं डालूँगी इनमें थोड़ी सी भुन जाएंगे आलू उसके बाद सेम डाल दिए मैंने तो इनको अच्छे से पका लूँगी पकाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से भून लूँगी फिर इसमें डालूँगी नमक कि दोस्तों इनको अच्छे से भून लूँ क्या है ना अच्छे से भुन जाएंगी तो जिस शायद बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है वरना थोड़ा सा मर्राती है जैसे कड़वी कड़वी टाइप की लगती और अच्छे से भुन जाएंगी तो फिर नहीं लगें तो मैंने नमक डाल दिया मैं बेटा और बेटी दोनों ही थे कुछ ले रहे थे वहाँ पर प्लेटफार्म पर तो मैं उनसे कुछ बोल रही थी क्या है दोनों बराबर में लेके ऐसा वैसा करते रहते हैं बस दोनों एक जैसे जब हम बचपन में थे तो हम भी अपने भाई बहनों के साथ में ऐसा ही होता था सबके साथ में हो मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है किस किस के साथ में ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी भुनने के साथ साथ में तब तक मैं बैठ के टमाटर और धनिया वगैरह भी काट रही थी मैंने सोचा क्या है यहाँ फालतू बैठूँगी मैं ऐसा ही करती हूँ सब्ज़ी बनने की तो उसके साथ साथ टमाटर धनिया वही बैठी बैठी काटती रहूँगी प्लेट मतलब गैस मैंने ऊपर नहीं रखी है दोस्तों क्या है? अभी क्या है उसमें प्लेट फार्म है ना हॉल नहीं करवा पाया इसीलिए मैंने गैस नीचे ही रखा है तो यहाँ मैं सिगड़ी पे बना रही हूँ सब्ज़ी वगैरह तो देखिए सब्ज़ी मेरी अच्छे से भुन गई आप लोगों से बातें करते करते देखिए सारे मसाले भी डाल दिए मैंने लाल मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी और मसाले तो देखिए इनको अच्छे से भून लिया है बहुत अच्छे बनी थी गैस आप विश्वास नहीं निकलो इतनी टेस्टी कि शाम को ही ख़त्म हो गई जी सारी सब्ज़ी तो देखिए मेरी सब्ज़ी बन के बस बनी चलिए लगभग इसमें टमाटर डाल दूँगी तो आलू वगैरह सब हो गया था तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है अच्छे से तो आप लोग भी आ जाइए जा, यहाँ से हम आलू की सब्ज़ी और रोटी बस बनाई है शाम के टाइम पे देखिए यहाँ सब्ज़ी बन चुकी है मेरी देखिए दोस्तों मेरी सब्ज़ी बस बनी गई है तो मैं इसको बर्तन में निकाल के रख दूँगी क्या है ना मुझे जिन लोग साथ के साथ ही जैसे मैंने बनाई और सब्ज़ी मतलब खाना खाने बैठेंगी तो मैंने सोचा क्या बर्तन को बिगाड़ूँ तो उसी में से खा लेते हैं बर्तन में अपने में कोर के मर्तर थाली ल करते हैं उसी में तो जैसे थोड़ा सा टाइम है तो फिर मैं कुर के रख देती हूँ तो अभी थोड़ा टाइम था इन लोगों के लिए इसीलिए मैंने आटा लगा के रख दिया है और ये यहाँ पर सोची तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ इधर सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे दोस्तों क्या बहुत सारे बर्तन हो जाते इसके पापा का टिफिन वगैरह था लंच का मतलब इस वहाँ आते हैं ना शाम पर साइड पर तो उसका था तो बस वो सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए चाय वगैरह के बर्तन थे और जो कढ़ाई पढ़ाई थी तो मैंने सोचा चलिए साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ मेरी तो यही आदत है मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ ज़्यादा ढेर हो जाते हैं बर्तन तो ख़राब लगते हैं और देखिए यहाँ सारा मैंने साफ कर दिया सिंक वगैरह सब कुछ तो दोस्तों जाकर मेरा आटा लगा रखा था पाँच दस मिनट हो गए उसको तो मैंने अच्छे से रोटी बना लूँगी क्या पहले आटा लगा के रख दो पाँच दस मिनट में तो क्या आटा अच्छा हो जाता है रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं तो देखिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लूँगी यहाँ पर मैं तो दोस्तों ऐसी ही रोटी बनाती हूँ आप लोग ज़रूर ब कहना इतनी बड़ी कौन बनाता है मैं तो ऐसी ही बनाती हूँ क्या जल्दी भी हो जाती है मतलब मोटी नहीं बनाती हूँ पतली पतली बनाती हूँ लेकिन बड़ी सी हो जाती है मुझसे छोटी छोटी कौन बनाए बने जल्दी जल्दी करना है काम सारे तो देखिए यहाँ पर सारी रोटियाँ बन गई हैं मेरी और इन बच्चों को भी दे दूँगी इसके पापा जल्दी साठ चुके हैं भूखे है। तो इनको भी थाली लगा के दे दूँगी तो आप लोग भी आ जाइए गैस खाना बन के रेडी हो गया है यहाँ पर तो सबको दे दिया खाना और ये देखिए सारी रोटियाँ भी मेरी बन चुकी हैं लगभग तो ये देखिए आप लोग भी आ जाइए कितनी अच्छी टेस्टी बनी थी दिख रही है कितनी अच्छी सी बनी है सेम की सब्जी गैस देखिए गाय इस खाना बन चुका सबने है सबने खा लिया बस मैं ही रह गई हूँ आप लोग भी रह गए तो खा लीजिए सहमाली की सब्जी और रोटी गर्म गर्म इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ बाय बाय